बाबर, पाकिस्तान इंडिया मैच को हमेशा हाई वोल्टेज कहा जाता है, मगर जिस तरह से आप विराट कोहली और बाकी क्रिकेटर्स से मिले हैं तो लगता है वोल्टेज खत्म हो गया, मामला सारा न्यूट्रल हो गया। नहीं, मेरे ख्याल से अगर ऐसे एज ए स्पोर्ट्स मैन आप मुलाकात करते हैं और किसी भी टीम के साथ, बाकी टीमों के साथ भी हमने काफ़ी अच्छा टॉक किया और बात किया, वो ये नॉर्मल चीज़ है। एज अ प्लेयर आप उनसे बात करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से बात करते हैं, क्रिकेट पर बात करते हैं, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। अगर दुबई की गर्मी ज़्यादा है या पाक भारत मैच है? नहीं, गर्मी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, नॉर्मल है। और एज अ प्रोफेशनल आपको हर चीज़ में एडजस्ट होना पड़ता है, और या इस गर्मी में पहले भी हम खेले हैं और इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा बाबर, पाकिस्तान टीम के प्लेयर अगर कुछ 7-8-10 महीने देखें तो मोस्टली आप पे रिलाय कर दिए, तो एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, बाबर आजम के लिए कितना इम्पोर्टेंट? देखिए, मेरे लिए हर मैच इम्पोर्टेंट होता है, और एज अ टीम, एज ए कप्तान मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जितना अपना 100% दूँ और टीम के लिए बेस्ट करूँ, और जिस जो चीज़ मेरे हाथ में है उसको मैं फिनिश करूं, और ऑन द डे कोशिश करता हूं अपनी क्रिकेट को एंजॉय करूं, और कोशिश यही होती है कि टीम के लिए बेस्ट की जाए। बाबर, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिस स्क्वाड के साथ आया था उसी स्क्वाड से पाकिस्तान ने 5 मैच जीते थे सेमीफाइनल तक, यहां आपके 2 फास्ट बॉलर्स आप टीम का साथ छोड़ गए हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस शेक हुआ टीम का? देखें, ये पार्ट ऑफ दी गेम है, इंजरीज होती रहती हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो बैंस हैं सब वो भी काफ़ी अच्छी है, जिस तरह वो हमारे यंग बॉलर्स हैं वो जैसे परफॉर्म करते आ रहे हैं, पूरा बिलीव है मुझे उन पर, और वो अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और एज अ टीम हम अच्छी क्रिकेट खेलें, ऑन द डे हम कोशिश करेंगे अपना 100% दें और रिजल्ट अल्लाह के हाथ। डेफिनेटली देखें, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है हमारा, और जैसे वो बॉलिंग करता है अग्रेशन के साथ और बॉलिंग को लीड करता है, तो वो बिल्कुल हम उसको मिस करेंगे। एक्स्ट्रा टाइम।